हम चैप्टर पढ़ रहे थे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपको नहीं बोले। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमने बहुत सारी चीजें जानी थी। हमने प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, हाउसेस का क्या रोल होता है, यानी सदनों का क्या रोल होता है, इसके बारे में पढ़ा था। लोकसभा राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप होता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के बीच में। तो कल मैंने आप सभी को बताया था साइकिल होती है, ऐसे जो है साइकिल होती है और साइकिल में चैन होता है और चैन क्या होता है, चैन में कड़ियां होती हैं, ऐसी छोटी छोटी कड़ियां होती हैं। अगर एक कड़ी काट ली जाए, एक कड़ी तोड़ दी जाए तो पूरी साइकिल बेकार हो जाती है, यानी साइकिल नहीं चलती है। साइकिल चलेगी? नहीं चलेगी अगर इस कड़ी को हम जो है यहाँ से काट दें, तो साइकिल आपकी नहीं चलेगी क्योंकि साइकिल में चेन्स होते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो तीनों की अभी हमने बात की, हमने प्राइम मिनिस्टर की बात की, हमने पार्लियामेंट की बात की और हमने प्रेसिडेंट की बात की, ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे की सहायता से चलते हैं। अब कैसे चलते हैं इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, देखेंगे क्या रिलेशन होता है। देखेंगे तो जो प्रेसिडेंट होता है यानी जो राष्ट्रपति होता है और जो सदन जो होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि पार्लियामेंट की अगर आप बात करते हैं, आप संसद की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट इक्वल्स टू क्या होगा, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि पार्लियामेंट बराबर प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और संसद, सॉरी, और जो है आपका प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर क्या बना देता है, पार्लियामेंट बनाता है। क्या बनाता है? पार्लियामेंट। और देखेंगे तो जो प्रेसिडेंट होता है इसका चुनाव इनडायरेक्टली तरीके से होता है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो देखेंगे तो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, और इलेक्ट करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। पूरा नियम और कानून बता दिया था आपको किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसके चुनाव किस प्रकार के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, इस प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में आपको बता दिया था। इन केस ही हैपेंड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर मान लीजिए किसी भी मामले में या कभी कभी ऐसा होता है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली एलिजिबल होता है मिनिस्टर बनने के लिए, चाहे वो इलेक्ट हुआ हो चाहे ना हुआ, यानी इनडायरेक्टली भी उसका इलेक्शन हो सकता है। कैसे इलेक्शन हो सकता है? इनडायरेक्ट तरीके से। लेकिन मैंने आपको बताया, मैंने आपको उदाहरण दिया कि उसको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, और समय कितना मिलता है, 6 माह के भीतर जो है, 6 महीने के अंदर जो है उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होता है। मिनिस्टर तो हमने बना दिया, मंत्री तो वो बन गया, लेकिन वो किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के अंदर जो है सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो उनके पास जो कार्य होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। मैंने आपको बताया कि देश में जितने भी काम होते हैं सारे काम जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। अगर देखेंगे तो उसकी जो ऑफिस होती है उसे हम हाई ऑफिस कहते हैं, लेकिन जितनी भी पावर होती है वो सारी पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की सलाह पर चीफ जस्टिस की नियुक्ति करना, ये यानी सलाह बहुत लेना पड़ता है, पावर है तभी तो सलाह लेना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, इसमें और भी चीजें आपको बतानी है मुझे, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच एक ब्रिज का काम करता है, यहाँ पार्लियामेंट है और यहाँ प्रेसिडेंट है और बीच में खाली स्थान है, बीच में खाली स्थान, बीच में नदी है, नदी को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, ब्रिज चाहिए, पुल चाहिए, तो पुल कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है
वो ब्रिज का काम करता है। मैंने आपको बताया कि तीनों कड़ियां हैं, बिना तीनों एक, अगर एक भी ना हो तो काम करना मुश्किल है। काम करने के लिए तो तीनों की आवश्यकता है हमको। इस प्रकार से जो प्रेसिडेंट होता है, देखेंगे तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी पॉलिसीज वहां पर बनाई जाती हैं, उन सब में वो इन्वॉल्व होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, कह सकते हैं कि वो एक जो है, कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैज हिज ईयर टू द ग्राउंड एंड द प्रेसिडेंट गेट अ फील ऑफ द पीपल पल्स। यानी जो प्रधानमंत्री होता है उसका कान होता है, कान मतलब क्या, किस चीज का, और वो प्रेसिडेंट जो होता है वो व्यक्ति की नब्ज होती है, पल्स होती है। और इस देखेंगे तो इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है वो होता है, और इससे गवर्नमेंट चलती है। और कौन सी गवर्नमेंट चलती है, लोगों की गवर्नमेंट चलती है, पीपल्स गवर्नमेंट चलती है। और देखेंगे तो जो रिलेशनशिप होता है दोनों हाउसेस का, दोनों हाउसेस एक दूसरे से कंसर्न होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, वो लोकसभा का सदस्य होता है अक्सर देखा जाए, और वो कब तक बना रह सकता है, जब तक कि उसको उसकी क्या प्राप्त हो, मेजॉरिटी प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, मेजॉरिटी। इसके अलावा पार्टी में डिसिप्लिन, प्रोग्राम, पॉलिसी, जो मेंबर्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो उनके द्वारा की जाती है। और देखेंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक सपोर्ट बेस होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे तरीके से जो है वहाँ की फंक्शनिंग चलती है। यानी कुल मिला जुला कर अगर कहा जाए तो ये सब जो है वो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और एक चेन के रूप में जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। कौन काम करता है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर, तीनों जो है कड़ी है। आपको मैंने बता दिया, इधर प्रेसिडेंट है, इधर जो है आपका पार्लियामेंट है, और बीच में ब्रिज का काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर कहता है। तो इस प्रकार से ये जो है उनके बीच का संबंध होता है। अब आप सभी लोग जो है क्वेश्चंस जरूर नोट कर लेंगे, आपको वेरी शॉर्ट में सारे क्वेश्चन करने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में टिक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर वन, सभी लोग टिक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर नाइन, टेन टेन कर लीजिए। लॉ में आपने टिक किया है, ठीक है, लॉन्ग में वन किए होंगे, टू किए होंगे, फाइव किए होंगे और सेवन किए होंगे। आज मिनट बहुत